नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस लेक्चर में हम यूपीएससी मेंस सॉल्यूशंस 2019 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जनरल स्टडीज़ पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 14 को एनालाइज करेंगे। और दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टूडे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो है वो दो पार्ट में है। पहला सेक्शन इसका पूछ रहा है व्हाट इज़ वाटर स्ट्रेस। कोई डायरेक्टिव वर्ड नहीं है, सिंपली हमें वाटर स्ट्रेस को डिफाइन कर देना है। उसके बाद से दोस्तों जो इसका दूसरा क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन में, वो कह रहा है हाउ एंड वाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाउ एंड वाई तो अलग अलग यूज़ हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पर ये एक ही जैसा यूज़ होता तो सिंपली लिख देता है इसको डिस्कस, डिस्कस इट डिफर रीजनली इन इंडिया। लेकिन यहाँ पर डिस्कस ना लिख करके पूरा वैसे लिखा है, तो कोई बात नहीं हमारे लिए, तो और ये इसने सिंपल कर दिया है। तो आइए अपना इस फॉर्मेट में आंसर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। वहीं दोस्तों आप सिलेबस देखेंगे अगर यूपीएससी का, तो यहाँ पर ज्योग्राफी में आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसमें दोस्तों जो वाटर है उसको भी हम एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स मानते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है हमारा इसी सेक्शन से रिलेटेड है। तो दोस्तों अब हम अपना आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाटर स्ट्रेस को यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों वाटर स्ट्रेस को लेकर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको। वाटर स्ट्रेस जो होता है, भले पानी बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो ड्रिंकेबल ना हो, वो फ्रेश वाटर ना हो, उस चीज़ की कमी हो, वो ऐसी क्वालिटी या क्वांटिटी में ना हो जिसको आप यूज़ कर सके, मतलब पीने के लिए या फिर अपने कामों के लिए, तो उस सिचुएशन को भी हम वाटर स्ट्रेस की ही सिचुएशन कहेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है ओशन है, हमारे पास सीज हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, लेकिन वो हमारे यूज़ लायक नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप इतना ज़्यादा पानी से घिरे होने के बावजूद भी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में है। तो इसीलिए दोस्तों वाटर स्ट्रेस की कंडीशन को डिफाइन करते समय आप देखेंगे कि जो डिमांड होगा पानी का वो हमेशा ज़्यादा होता है अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर से। और ये दोस्तों सर्टन पीरियड ऑफ द ईयर हो सकता है, और एक तरीके से जो वाटर की क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी ख़राब होगी जिसमें आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये होता है सिंपली वाटर स्ट्रेस। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया क्यों यूपीएससी में, तो आपको पता होगा कि CWMI रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, यानी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। और दोस्तों ये हर साल नीति आयोग एक तरीके से रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और उसमें बताया जाता है कौन सा स्टेट जो है वो वाटर मैनेजमेंट के थ्रू सही है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ही थ्रू किया जाने वाला काम है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वाटर स्ट्रेस कंडीशन को आगे फेस करेगा, और हमें अगर इस चीज़ को बदलना है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेने होंगे वाटर कंजर्वेशन को लेकर। तो इसी रिपोर्ट के बेसिस पर दोस्तों यूपीएससी ने यह क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। तो दोस्तों ये था हमारे पहले सेक्शन का आंसर। अब दोस्तों हम दूसरे सेक्शन पर बात कर लेते हैं। दूसरे सेक्शन में पूछा गया है कि जो हमारा देश है उसमें बहुत सारे रीजन हैं, तो रीजन में वेरिएशन के कारण जो वाटर स्केयरसिटी फेस करने का तरीका है वो किस तरीके से अलग है, और वाटर स्केयरसिटी के क्या क्या कारण हैं। तो आपको दोस्तों पता है कि हमारे देश में कई ऐसे रीजन हैं जहां बारिश ज़्यादा हो जाती है और दूसरी जगह सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है और कहीं किसी को पीने का पानी तक नहीं मिलता। तो इसके कारण क्या है और किस कारण जो है वाटर स्केयरसिटी को फेस किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सारा कुछ होता है ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक वेरिएशन के कारण। और दोस्तों यहाँ पर जो सारा कुछ हो रहा है वो एक तरीके से काफ़ी गलत हो रहा है, और यहाँ पर जो कहीं हैवी रेनफॉल हो जाता है और कहीं रेनफॉल डेफिसिट हो जाता है, जिसके कारण वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। और इसीलिए दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, हर जगह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमें तरीका भी अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों हम अपने देश के डिफरेंट रीजन्स पर अब बात कर लेते हैं कि कैसे वहाँ पर जो है एक तरीके से वाटर स्केयरसिटी को फेस करना पड़ रहा है लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हिमालयन रीजन को लें तो यहाँ पर दोस्तों कई सारी रिवर्स ओरिजिन होती हैं, यानी जनरेट होती हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो रीजन है वाटर स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। तो इसके पीछे दोस्तों ये कारण नहीं है कि यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर दोस्तों पानी तो है लेकिन
अर्बनाइजेशन के कारण, पॉल्यूशन के कारण, और जो पहले के ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड थे वो अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस कारण यहाँ पर जो पानी है वो अवेलेबल तो है लेकिन वो फ्रेश वाटर के तौर पर अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण वाटर स्ट्रेस हो रहा है। इसके अलावा एक दोस्तों हमारा आ जाता है वेस्टर्न इंडिया का इम्पॉर्टेंट रीजियन। ये दोस्तों राजस्थान, गुजरात और इसके अलावा महाराष्ट्र के भी कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन्स को आपस में इंक्लूड करता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए बारिश कम होती है, एक तो ये वाटर स्ट्रेस का कारण है, और दूसरा दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप पैटर्न है उसको काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों राइस हो गया, शुगर कैन हो गया, इस तरीके के क्रॉप जिनमें काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम साउथ इंडिया का हाल देखें तो यहाँ पर भी बारिश होती है लेकिन क्या है, रिवर का पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट कारण है वाटर स्ट्रेस का, और यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर अर्बनाइजेशन होने के कारण, और कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं, क्योंकि रूरल रीजन जब ख़त्म हो रहे हैं अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो जो पहले वाले कंजर्वेशन एफर्ट्स थे वो भी कम हो गए हैं, तो इस कारण यहाँ पर वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है। दोस्तों ये सारी बातें जो हैं ये वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स वाली जो रिपोर्ट है उन्हीं की सारी बातें हैं, सारी अखबार में छपी थी और UPSC ने उस पर एज इट इज क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया है, सारी चीज़ें मैं वहीं से लाकर यहाँ पर रख रहा हूँ। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया का। नॉर्थ ईस्ट में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पर बारिश होने के दो कारण हैं, एक तो ऑर्थोग्राफिक यानी माउंटेन जो है बादल को रोक देते हैं, और दूसरा हो गया मानसून विंड्स जो, और इसके बावजूद भी यहाँ पर दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट है वाटर क्राइसिस फेस कर रहा है क्योंकि इसके एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं, जैसे कि माइनिंग हो रही है यहाँ पर और उसके कारण पोल्यूशन हो रहा है जिससे वाटर जो है पोल्यूटेड हो जा रहा है, पीने लायक नहीं रह रहा। और यहाँ पर दोस्तों नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया की बात की जाए यानी UP और बिहार की, जहाँ पर रिवर गंगा और यमुना है, इनमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है। पानी के लिए रिवर तो हैं लेकिन पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया जिस कारण फ्रेश वाटर की कमी पड़ रही है। तो दोस्तों यही ओवरऑल रीज़न है जहाँ पर ज़्यादा बारिश पड़ रही है, वो भी हमारा देश का पार्ट जो है वो भी वाटर स्ट्रेस को फेस कर रहा है, और जहाँ पर बारिश नहीं हो रही वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्रॉप जो है ऐसे उगाए जा रहे हैं जिसमें ज़्यादा पानी लगता है, और इस कारण दोस्तों वहाँ पर वाटर स्ट्रेस की समस्या क्रिएट हो रही है। इसके अलावा दोस्तों जब वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई है तो उसमें प्रॉपर सॉल्यूशन दिए गए हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो हम उसको डिस्कस करेंगे नहीं। तो दोस्तों अब ये है हमारे इस लेक्चर का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने ये लेक्चर एंड तक देखा तो आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आपको अगर कोई समस्या होगी तो आप उसे भी फीडबैक में बताएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।